स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की तैयारी बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी निर्धारित समयानुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 अगस्त की पूर्व संध्या अर्थात 14 अगस्त को सभी सरकारी भवनों पर प्रकाश से सजावट करें तथा जिस विभाग के भवन की सजावट अच्छी होगी उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। डीएम ने कहा कि प्लास्टिक के झंडे पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि प्रातः 6:30 बजे प्रभात फेरी, प्रातः 6 बजे क्रॉस कंट्री रेस, प्रातः 7 बजे सभी तहसीलों एवं मुख्यालय पर लगे महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई तथा पुष्प अर्पण कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त तक साफ सफाई आदि कार्यों का सत्यापन भी करा लिया जाए। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि प्रातः 8 बजे समस्त सरकारी गैर सरकारी इमारतों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वजारोहण तथा झंडा अभिवादन के साथ ही राष्ट्रगान का भावपूर्ण गायन होगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता तथा सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को बलवती बनाने पर जोर दिया जाए। इसके अलावा पूर्व की भांति सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। बैठक का संचालन अपर जिलाधिकारी नगर ने किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौजूद रहे। सबसे अच्छी सजावट किसके यहाँ है उसको प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। जो उपस्थित है वो इसको नोट कर ले और इसको अवश्य कराए। दूसरा भी व्यवस्था करनी है, इसके संयोजन के रूप में और एसपी सिटी साहब रहेंगे। एसपी सिटी साहब, एसपी ट्रैफिक साहब हमारे बीच में है, ये उनको सूचित कर देंगे। और सर के लिए भी इसमें अनुरोध है कि एसपी ट्रैफिक साहब इसमें जहां भी क्रॉस कंट्री आप कराते होंगे यातायात की व्यवस्था सर देख लेंगे। इसमें सीएमओ साहब के यहाँ से जो भी है वो इसको नोट कर लें। आपकी टीम भी वहां पे रहेगी जिससे जो बच्चे दौड़ में दौड़ते हैं कभी कभी ऐसा होता है। 6:30 बजे प्रभात फेरी निकलनी है, ये नगर निगम के टाउन हॉल से प्रारंभ होकर साफ संयोजक रहेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन हर जगह होना रहेगा, जैसे मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना वो हर कार्यक्रमों में रहेगा। और एसपी ट्रैफिक साहब और क्षेत्राधिकारी कुतवाली